आज अपन इंटरनेशनल लॉ में संधियों संधि के जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी का आगे पार्ट करते हैं। कल हमने किया था कि संधि क्या होती है, संधि के प्रकार क्या होते हैं, संधि किस तरीके से की जाती है, कौन सा राज्य संधि कर सकता है। सो जो संप्रभु संपन्न है वही संधि कर सकता है। संधि करने के लिए राज्य की सहमति स्वतंत्र होती है। दबाव से की गई संधि शून्य होती। कौन कौन से आर्टिकल पढ़े, 48, 49, 51 और 52, ये चार आर्टिकल थे जिसमें ये बताया गया था कि दबाव से, त्रुटि से, भूल से, कपट से अगर कोई सहमति ली जाती है तो, सहमति लेके की जाती है तो वो शून्य होती है संधि। ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि में जो संधियां की जाती है, अंतरराष्ट्रीय संधियां की जाती है उसमें कुछ अधिकार आरक्षित भी रखे जा सकते हैं क्या। आरक्षित अधिकार का एक रिजर्वेशन है इसमें कि कोई भी राज्य जब संधि करता है तो क्या वो रिजर्वेशन के अधिकार का यूज कर सकता है क्या। तो आरक्ष वर्तमान समय में इस संधि इस पॉइंट पे यानी आरक्षित अधिकार के विषय में बड़ा ही मतभेद है। आई एम सिंक्लियर ने कहा लिखा है कि पिछले 20 सालों में संधियों की विधि में जितना अधिक मतभेद आरक्षित अधिकार के विषय में हुआ उतना और किसी विषय पर नहीं हुआ। कि ये तो क्या विवाद का विषय है कि लगातार पिछले 20 सालों से इस पॉइंट पे विवाद ही हो रहा है कि आरक्षित अधिकार को अपनाया जाए या नहीं अपनाया जाए। आरक्षित अधिकार होता क्या है, इसको डिफाइन किया गया है संधियों के विधि वियना अभिसमय के अनुच्छेद 1969 के अनुच्छेद 2(1) में। तो संधि को कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन दो सॉरी अनुच्छेद 2 में ही डिफाइन किया गया। 2(1) में डिफाइन कर दिया क्या आरक्षित अधिकार क्या होता है। आरक्षित अधिकार एकांकी कथन है जिसके द्वारा कोई राज्य किसी संधि पर हस्ताक्षर अनुसमर्थन या उसे स्वीकार करके सम्मिलित होते समय ये इच्छा प्रकट करता है कि संधि के कुछ प्रावधानों का कानूनी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा या संशोधित तरीके से पड़ेगा। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो जो दो पक्षकार होते हैं संधि में, तो एक पक्षकार संधि पर हस्ताक्षर करते समय, अनुसमर्थन करते समय या उसमें सम्मिलित होते समय ये शर्त रख देता है कि इस संधि के कुछ प्रावधान मुझ पर लागू नहीं होंगे या लागू होंगे तो वो संशोधित प्रकार से होंगे। यानी या तो क्या मुझे कुछ कुछ इस संधि के कुछ प्रावधान राज्य सिग्नेचर करने से पहले ये शर्त रख देता है कि इस संधि के कुछ प्रावधान मुझ पे लागू नहीं होंगे, या कोई लागू होंगे तो भी वो संशोधित प्रकार से होंगे या उसका मुझ पे ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसा आरक्षित अधिकार द्विपक्षीय संधियों में तो सामान्य रूप से अपना लिया जाता है क्योंकि दो ही पक्षकार होते हैं। कि अगर एक पक्षकार सामने वाला पक्षकार एक जिसने आरक्षित अधिकार का प्रयोग किया है उसके सामने वाली पार्टी अगर उस आरक्षित अधिकार से एग्री होती है तो क्या है संधि बन जाती है। और अगर एग्री नहीं होती, वो नहीं मानता उस राज्य के आरक्षित अधिकार को, मान्यता नहीं देता कि नहीं ये तो सभी प्रावधान लागू होंगे, नहीं मानता, तो फिर वो क्या है संधि शून्य हो जाती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, माना जाता है कि संधि ही शून्य हो गई है। फिर द्विपक्षीय संधि में इसका कोई विशेष असर नहीं होता। लेकिन जो बहुपक्षीय संधियां होती है जिसमें बहुत से सदस्य राज्य मेंबर होते हैं, उस संधि में आरक्षित अधिकार का कोई प्रयोग करता है तब कठिनाई आती है। विवाद का विषय उस समय बनता है कि भी आरक्षित अधिकार का प्रयोग किया जाए या नहीं किया जाए। उस समय विवाद आता है कि अगर एक पक्षकार एक बहुपक्षीय संधि है और एक पक्षकार क्या करता है आरक्षित अधिकार का प्रयोग करना चाहता है, दूसरे अगर उससे सहमत हैं, कुछ सहमत होते हैं कुछ सहमत नहीं होते तो इस विरोध नहीं करते, तो जो आरक्षित अधिकार का प्रयोग करने वाले जो राज्य आरक्षित अधिकार का प्रयोग कर रहा है उससे सहमत है
वो तो उनके साथ तो क्या उसकी संधि बन जाती, जो सहमत नहीं होते उनके बारे में विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए आरक्षित अधिकारों के विषय में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 1951 में अपना सलाहकारी मत व्यक्त किया था। 1951 में अपना सलाहकारी मत व्यक्त किया था और सलाहकारी मत किस कौन से अभिसमय में आया? जनवद नरसंहार अभिसमय कब का है? 1951 का है। जनवद अभिसमय 1951 में मत व्यक्त किया कि अगर अगर बहुपक्षीय संधियां हैं और उसमें अगर कोई राज्य अपने आरक्षित अधिकार का प्रयोग करता है तो फिर क्या नियम फॉलो किया जाना चाहिए। यानी जनवद अभिसमय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने आरक्षित अधिकार, जो बहुपक्षीय संधियां हैं उसमें आरक्षित अधिकार का प्रयोग कैसे किया जाए, इसके लिए एक गाइडलाइन प्रस्तुत कर दी थी। पहला पॉइंट ये कहता है कि यदि किसी राज्य ने आरक्षित अधिकार का प्रयोग किया बहुपक्षीय में और एक या दो पक्षकार ने विरोध किया, केवल मतलब बहुत सारे सदस्य राज्य मेंबर थे उस संधि के, बहुत सारे ने सिग्नेचर कर दिए, मेंबर बन गए। अब उनमें से अगर एक एक राज्य अपने आरक्षित अधिकार का प्रयोग करता है और मान लो ए राज्य आरक्षित अधिकार का प्रयोग करता है तो उसका विरोध एक या दो सदस्यों ने ही किया, बाकी राज्यों ने उसका विरोध नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि आरक्षित अधिकार का प्रयोग इस जो संधि है इसके उद्देश्य से संगत पूर्ण है, तभी तो बाकी लोगों ने बाकी राज्यों ने इसका विरोध नहीं किया। तो इस नियम को बोलते हैं बहुधा संगति का नियम, बहुधा संगति का नियम, ठीक है, संगति का नियम भी बोलते हैं या बहुधा संगति का नियम। बहुत सारे लोगों ने ये माना है कि संधि के उद्देश्यों से ये संगत है या मिलता जुलता है आरक्षित अधिकार, इसीलिए वो इसका विरोध नहीं करते हैं, इसलिए इसको माना जाएगा बहुधा संगति का नियम। अब यदि संधि का कोई पक्षकार, यदि संधि का कोई पक्षकार आरक्षित अधिकार का विरोध करता है या समझता है कि यह संधि के उद्देश्य से असंगत, मान लो एक देश ही विरोध कर रहा है, तो विरोध करने वाला पक्षकार मान सकता है कि आरक्षित अधिकार का प्रयोग करने वाला पक्षकार क्या है, संधि का पक्षकार ही नहीं है। मान लो ए और बी, ए तो अपना आरक्षित अधिकार का प्रयोग कर रहा है और बाकी बी सी डी ई एफ जी बहुत सारे मेंबर हैं बहुपक्षीय संधियों में, ए अपने आरक्षित अधिकार का प्रयोग करता है, बी को लगता है कि नहीं ए ने जो आरक्षित अधिकार का प्रयोग किया है वो इसका विरोध करता है, ए बी को लगता है कि ए के द्वारा जो आरक्षित अधिकार का प्रयोग किया गया है वो संधि के उद्देश्यों से संगतपूर्ण नहीं है, तो बी मान सकता है कि ए संधि का पक्षकार नहीं है। बाकी राज्य तो मानेंगे कि हाँ ए संधि का पक्षकार है, लेकिन जो विरोध कर रहा है वो आरक्षित अधिकार का जो विरोध कर रहा है वो ये मान सकता है कि जिसने समर्थन आरक्षित अधिकार का प्रयोग किया वो राज्य संधि का पक्षकार ही नहीं है, ठीक है। उन दो राज्यों के बीच में अधिकार का आरक्षित अधिकार का प्रयोग करने वाले राज्य और आरक्षित अधिकार का विरोध करने वाले राज्य के मध्य कोई संधि हुई नहीं है या संधि से कोई संबंध निर्धारित नहीं होता है, उनके बीच में कोई बंधन नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन थर्ड पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि कोई राज्य आरक्षित अधिकार को संधि के उद्देश्य के अनुसार संगत समझता है, अब कोई राज्य है जैसे सी राज्य, ए राज्य ने प्रयोग किया आरक्षित अधिकार लेकिन सी राज्य को लगता है कि हाँ इसने सही प्रयोग किया है, इसने सही प्रयोग किया आरक्षित अधिकार का, ये तो संधि के उद्देश्यों से संगत है या इससे मिलता जुलता ही है, इससे रिलेटेड ही है, तो जो समर्थन करता है वो ये मान सकता है कि ए संधि का पक्षकार है, ए और सी के बीच में संधि के द्वारा या राज्य के संबंध निर्धारित हो जाते हैं, समझ आया।
एक विरोध करता है तो वो विरोध करने वाला मान लेगा कि ए जो आरक्षित अधिकार का प्रयोग कर रहा है वो संधि का पक्षकार है ही नहीं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई राज्य इसका समर्थन करता है, उसे लगता है कि नहीं हाँ इसने जो आरक्षित अधिकार का प्रयोग किया है वो संधि के उद्देश्य से संगत पूर्ण है, इससे मिलता जुलता है, करना चाहिए था इसका अधिकार का प्रयोग, तो जिस राज्य ने समर्थन किया है और जिस राज्य ने आरक्षित अधिकार का प्रयोग किया, दोनों के बीच, ऐसे राज्यों के बीच में संधि संबंध संधि द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, यानी उनके बीच में संधि कायम रहती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, ये इसमें इतना ही पढ़ते हैं कि भाई ओपनहाइम कहता है कि अंतरराष्ट्रीय जनवद अभी समय में इसने कहा कि आरक्षित अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन कब किया जाना चाहिए इसके लिए गाइडलाइन निकाल दी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने। लेकिन ये कह रहा है कि कब आरक्षित अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता, कब आरक्षित अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता, कोई भी संधि पर हस्ताक्षर करते समय, समर्थन करते समय, होते समय आरक्षण प्रयोग कर सकता है, ये कौन कब कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि आरक्षित अधिकार का प्रयोग कब कर सकता है। डेफिनेशन तो दी गई 1969 के अभिसमय के अनुच्छेद 2(1) में दी गई डेफिनेशन आरक्षित अधिकार की, लेकिन आरक्षित अधिकार का प्रयोग कब कर सकता है अनुच्छेद 19 में कहा गया है, 1969 के अभिसमय के अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि कब वो आरक्षित अधिकार का प्रयोग कर सकता है, हस्ताक्षर करते समय, अनुसमर्थन करते समय या उसमें सम्मिलित होते समय वो उसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन कब वो आरक्षित अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, कब नहीं किया जा सकता, जब आरक्षित अधिकार का प्रयोग संधि में ही वर्जित कर दिया गया, संधि कह रही है कि नहीं इस संधि में कोई अपना आरक्षित अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर संधि में ये प्रावधान है कि केवल विशिष्ट प्रावधानों पर ही आरक्षित अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है तथा बाकी अन्य में नहीं, विशिष्ट आरक्षण या रिजर्वेशन वाले नियमों को ही लागू किया जा सकता है, सामान्य आरक्षण वाले नियमों को लागू नहीं किया जा सकता, वहां आरक्षित अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें कहा कि यदि आरक्षण अधिकारों के स्वीकार होने या उसके प्रति आपत्ति होने के बारे में अनुच्छेद 20 कह रहा है कि जब तक संधि में व्यक्त प्रावधान नहीं हो कि ऐसे आरक्षण जिसके बारे में अनुमति दूसरे राज्यों द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है, कि मान लो आर्टिकल 20 ये कह रहा है कि आरक्षण का अधिकार प्रयोग हो रहा है उसके समय कोई स्वीकार करे कि उसको आरक्षण के अधिकार को या उसके बारे में ऑब्जेक्शन करे, कब करेगा या कैसा माना जाएगा, विवक्षित है ये प्रावधान कि कब वो स्वीकार मानी जाएगी कब वो स्वीकार नहीं माना जाएगा आरक्षित अधिकार। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जब अगर किसी संधि में कोई जो संधि होती है उसमें ये प्रावधान ही नहीं है स्पष्ट रूप से कि आरक्षण के बारे में अनुमति प्रदान करें तो दूसरे राज्य द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है, मतलब एक 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 राज्य ने आरक्षित अधिकार का प्रयोग कर लिया और उसके आरक्षित अधिकार के बारे में संधि में कुछ भी नहीं लिखा कि दूसरे राज्यों द्वारा इसको क्या है स्वीकृति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए या वो सहमत है या नहीं है, अगर संधि में कोई प्रावधान नहीं है तो दूसरे राज्य को उस पर स्वीकृति देना आवश्यक नहीं है, वो मौन रह सकते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। यदि राज्यों की मध्यवर्ती संधि से के उद्देश्य से प्रतीत होता है कि संधि राज्यों की संधि के सहमति पूर्ण संधि को लागू होना आवश्यक, अगर संधि में ये प्रावधान कर दिया गया है कि आरक्षित अधिकार का प्रयोग करने वाला व्यक्ति आरक्षित अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को प्रयोग कर रहा है कोई व्यक्ति आरक्षित अधिकार का और जो बाकी जो मेंबर्स हैं राज्य पक्षकार हैं उनको उस संधि को संपूर्ण रूप से मानना है, चाहे कोई व्यक्ति आरक्षित अधिकार का प्रयोग कर रहा है
जो अन्य पक्षकार है वो ये नहीं कह सकते कि ये तो आरक्षित अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो अगर किसी संधि में लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा और कह दिया कि इस संधि का पूर्ण रूप से पालन करना है, तो क्या कोई व्यक्ति आरक्षित अधिकार का प्रयोग करेगा क्या? नहीं कर सकता। फिर हर हर राज्य पक्षकार को, जो भी उसके मेंबर बनते हैं, उनको पूर्ण रूप से उसको स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, इस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इतना ही पढ़ते हैं अपन कि आरक्षित अधिकार को बहुत सारी बातें लिखी हुई है, इतना नहीं पढ़ना। अब आता है कि संधियों का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, या संधियों की व्याख्या, निर्वचन कैसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले निर्वचन का शाब्दिक नियम अपनाना चाहिए, ग्रामेटिकल रूल अपनाया जाता है कि उसकी शब्द टू शब्द व्याख्या की जाती, वर्ड टू वर्ड व्याख्या की जाती। अगर शाब्दिक निर्वचन से उसका उद्देश्य, संधि का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, तो फिर तर्कपूर्ण यानी उद्देश्य परक निर्वचन किया जाता है। उद्देश्य परक निर्वचन यानी जिस उद्देश्य के लिए संधि बनाई गई या संधि की गई, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। फिर आता है सहयुक्तियुक्त या संगतिपूर्ण। संधियों का अर्थ ऐसा निकलना चाहिए जो कि उस संधि से जो जिसका निर्वचन कर रहे हैं उससे युक्तियुक्त या उससे मिलता जुलता अर्थ निकलना चाहिए। मान लो अर्थ जिस उद्देश्य के लिए संधि की गई उससे मिलता जुलता अर्थ निकालना चाहिए। यहाँ पे संगतिपूर्ण या उससे मिलता जो युक्तियुक्त होना चाहिए, तार्किक, उससे तार्किक इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, या सामंजस्यपूर्ण निर्वचन करना चाहिए। पहला शाब्दिक, दूसरा ग्रामेटिक गोल्डन यानी उद्देश्य परक निर्वचन करना चाहिए। थर्ड आ रहा है सामंजस्यपूर्ण निर्वचन करना चाहिए। फोर्थ आता है हार्मोनियस हितप्रद निर्वचन करना चाहिए। चार वर्ड याद करने हैं अपने, ग्रामेटिकल, गोल्डन, फिर आता है सामंजस्यपूर्ण, और फोर्थ आता है हितप्रद निर्वचन करना चाहिए। अब आ रहा है क्या बाह्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है क्या? अंतरराष्ट्रीय विधि में अंतरराष्ट्रीय संधियों की व्याख्या करते समय क्या बाह्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? तो वेना अभिसमय के अनुच्छेद 31 के 1 क्लोज में लिखा है, यदि संधि का अर्थ गुदफेद में लगाते हुए साधारण अर्थ या संधि के संदर्भ में उद्देश्य में प्रयोग, मतलब बाह्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। विधि सी बात ये याद रखनी अपने को कि संधि का निर्वचन करते समय वेन अभिसमय के अलावा बाह्य स्रोत का या बाह्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बाह्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। फिर आता है कि मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो इस संधि का पालन इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे देश की आंतरिक विधि में ये नियम नहीं है, या वो ये बचाव नहीं ले सकता, उसको वो अपनी आंतरिक विधि या देश की घरेलू विधि का के प्रावधानों का बचाव नहीं ले सकता कि भाई मेरे देश में या मैं अपनी जो आंतरिक विधि के प्रावधानों के का हवाला नहीं दे सकता कि मैं इस कारण इस संधि का पालन नहीं कर पा रहा या कर नहीं सकता। अनुच्छेद 27 है। ठीक है, फिर आता है संशोधन। संशोधन का अनुच्छेद है कि संशोधन करना है या आशोधन करना है, यानी अमेंडमेंट करना है या मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ चेंज करना है। तो अमेंडमेंट करना है सब करार द्वारा संशोधित की जा सकती है। सबसे पहले अपने को बात याद क्या रखनी है कि कोई भी संधि है वो करार के द्वारा संशोधित की जा सकती है, करार एग्रीमेंट के द्वारा संशोधित की जा सकती है। तो ये प्रावधान कहाँ पे दिया गया? 39 में ये आर्टिकल दिया गया है कि अगर संधि के जितने पक्षकार सहमत हैं वो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इस संधि के कुछ प्रावधानों में चेंज होना चाहिए, इसको अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, वो संशोधित कर सकते हैं। तो
अनुच्छेद 40 कह रहा है बहुपक्षीय संधि में संशोधन के प्रावधान है, तो मतलब इसमें वार्ता करनी पड़ती है, दूसरे पक्षकार को सूचित करना चाहिए, वो संशोधन करने का अधिकार होता है। मतलब ये कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ये याद करना है कि 39 में संशोधन करने के लिए पक्षकारों को क्या एग्रीमेंट करना है। और मॉडिफिकेशन 39 और 40 तो क्या है, संशोधन अमेंडमेंट से रिलेटेड है, और 41 मॉडिफिकेशन या आशोधन यानी उसमें कुछ चेंज करना है, जो चीज है उसमें चेंज करना है तो वो मॉडिफिकेशन है। अमेंडमेंट में तो वो जोड़ेगा, और मॉडिफिकेशन में क्या करेगा, वो उसमें उस जो प्रावधान है उनमें ही चेंज करेगा। तो 39 और 40 तो क्या है, संशोधन अमेंडमेंट से रिलेटेड है, और 41 क्या है, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। अब आता है संधि की समाप्ति कैसे की जा सकती है। तो फर्स्ट है विधि के द्वारा, अगर विधि में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके आधार पर संधि समाप्त की जा सकती है। दूसरा है राज्य पक्षकारों के, पक्षकार राज्यों के आचरण के द्वारा, यानी जो मेंबर हैं संधि के, जो राज्य पक्षकार मेंबर हैं उनके आचरण कुछ ऐसा किया जाता है जिससे भी संधि समाप्त की जा सकती है। तो पहले विधि द्वारा, विधि संधि को समाप्त कब, विधि द्वारा, विधि में ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसके द्वारा संधि को समाप्त किया जा सकता है। तो पहला, किसी एक पक्षकार के विलुप्त हो जाने, द्विपक्षीय संधि थी और एक राज्य क्या है समाप्त हो गया तो संधि भी समाप्त हो जाती। द्विपक्षीय संधि थी, दो ही राज्य थे और उनमें से अगर एक राज्य विलुप्त हो गया तो संधि समाप्त हो गई। दूसरा पॉइंट आ रहा है युद्ध प्रारंभ होने पे, युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो संधियां भी की सभी प्रकार की संधियां समाप्त नहीं होती, कुछ संधियां युद्ध काल में भी बनी रहती, लेकिन कौन सी संधियां, बाकी की जो राजनीतिक मुद्दों से संबंधित पॉइंट है वो समाप्त हो जाती है। तो अब लिखा है कि कौन सी संधियां, स्टार्क ने बताया है कि युद्ध के प्रभाव से कौन सी संधियों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला, युद्धमान राज्यों के बीच यानी जिन देशों के बीच में या जिन राज्यों के बीच में युद्ध चल रहा है वहां अगर कोई राजनीतिक कार्य या अच्छे संबंध बनाने की जो संधियां थी, युद्धमान देशों के बीच में राजनीतिक कार्य या अच्छे संबंध बनाने से संबंधित जो भी विधियां थी वो युद्ध चालू होते ही समाप्त हो जाती है संधि। दूसरी संधियां, जो कुछ संधियां स्थायी बात के लिए होती है, मान लो सीमाओं का निर्धारण, वो युद्ध से अप्रभावित रहती, यानी युद्ध का उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड आता है कि वे संधियां जैसे युद्ध के नियम आदि दिए गए हों जिनमें, या से युद्ध से अप्रभावित रहती है, कि वे संधियां जो जिनमें युद्ध के नियम ही दिए हैं वो अप्रभावित रहती है। तो पहली, जो राजनीतिक कार्यों से संबंधित या अच्छे कार्यों से संबंध बनाने वाली थे समाप्त हो जाते हैं। दूसरा आता है कि ऐसी संधियां जो स्थायी बात यानी सीमाओं का निर्धारण करती हैं वो अप्रभावित रहती है, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता संधियों, युद्ध का कोई इफेक्ट संधियों पे नहीं पड़ता। ऐसे ही थर्ड रह रहा है कि अगर कोई संधि युद्ध के नियमों को ही बता रही है तो वो संधि भी युद्ध से अप्रभावित रहती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता युद्ध का। चौथा पॉइंट, लेकिन कुछ संधियां ऐसी होती है, बहुपक्षीय संधियां ऐसी होती है जैसे स्वास्थ्य सेवाओं, उद्योग संपत्ति के संरक्षण के, युद्ध के प्रारंभ से पूर्ण समाप्त नहीं होती वरन युद्ध के समय वो निलंबित हो जाती है, और युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद वो वापस लागू हो जाती। यानी कुछ ऐसी संधियां होती जो स्वास्थ्य यानी दवाई से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड, या कुछ उद्योगों को संरक्षित करने वाली संधियां, या कुछ अन्य ऐसी संधियां जो विकास के लिए होती है वो युद्ध काल में क्या है खत्म नहीं होती है, वो निलंबित हो जाती है, जैसे ही युद्ध समाप्त होता है वो संधियां वापस प्रवर्तन में आ जाती है, लागू हो जाती है। कभी कभी संधियों में स्पष्ट प्रावधान भी होता है कि युद्ध प्रारंभ होगा तो उसमें क्या इफेक्ट होगा, या तो वो प्रभावित होगी या संध्या समाप्त हो जाएगी या इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो संधि में लिख दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, पहला आया था विधि में क्या है,
पक्षकार विलुप्त हो गया। दूसरा आया युद्ध युद्धमान की स्थिति में। थर्ड आ रहा है संधि का सारवान उल्लंघन। यदि किसी बहुपक्षीय संधि की किसी महत्वपूर्ण प्रावधान का उल्लंघन होता है तो दूसरा पक्षकार उस संधि को समाप्त कर सकता है। बहुपक्षीय संधि है और उसमें से किसी सारवान बात का उल्लंघन कर दिया जाता है, विधि का सारवान जो पॉइंट होता है उसका उल्लंघन कर दिया जाए, तो दूसरे पक्षकार को अधिकार है कि वो संधि को क्या है, समाप्त करवाने का अधिकार होता है। ये किसमें दिया गया, निमिबी आवाद में कहा गया कि इस नियम के विद्यमान प्रथा संबंधी नियम संहिता कर्ण माना गया। कुछ नहीं याद करना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट आता है कि संधि का लागू होना असंभव हो जाए, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित हो जाए कि अब संधि के प्रावधानों को पूर्ण करना ही असंभव हो जाता है, तो वहां पर भी क्या है, संधि समाप्त हो जाते। ये कौन से पढ़ रहे हैं अपन, ये विधि के द्वारा संधि की समाप्ति पढ़ रहे हैं। पहला आया था राज्य लुप्त हो जाता है, दूसरा था युद्ध के नियम हो जाते हैं, तीसरा था विधि का सारवान उल्लंघन हो जाता है, चौथा है विधि का पालन संधि का पालन करना असंभव हो जाता है, पांचवा था रिबिस सिक स्टेबिंस, यानी जिस सब्जेक्ट के विषय में या जिसके बारे में संधि की गई थी, अगर उस विषय या उस परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, यानी जिस विषय के लिए संधि की गई थी या जिस बारे में संधि की थी उसके मौलिक परिस्थितियां ही चेंज हो जाती है, वो सारी की सारी कंडीशन क्या है, चेंज हो जाती है, तो फिर वहां पे दूसरा पक्ष का परिवर्तित परिस्थितियों के कारण उस मूल जिस जो संधि की थी उसका पालन करने के लिए बाउंड नहीं होगा, वो संधि समाप्त कराने का उसका अधिकार हो जाता है, संधि समाप्त कराने का उसका अधिकार हो जाता है। और या निश्चित अवधि के लिए कोई संधि की गई थी, टाइम पीरियड निश्चित था कि 2 साल 5 साल के लिए संधि की, जितना टाइम पीरियड था उतने का टाइम बीत गया, उसके बाद संधि अपने आप समाप्त हो जाती है। फिर अगर किसी संधि का लगातार ही प्रत्याख्यापित होना, अगर कोई संधि कर ली और दूसरा कोई पक्षकार बार बार उस संधि को डिनाई करता है, बार बार उस संधि का उल्लंघन करता है, उस संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, डिनाई करता है, तो वो संधि समाप्त मानी जाती है। ये दशाएं कहाँ पर बताई है, आर्टिकल 55 में बताई हुई ना, अभी समय 1969 के आर्टिकल 55 में बताई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जस कोजेंस पूछा जाता है, या शायद पूछा भी गया कि जस कोजेंस क्या है। अगर कोई संधि अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुल्लंघनीय नियम बोलते हैं इसको, जस कोजेंस, यानी ऐसा कोई नियम जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, और फिर भी उस नियम का उल्लंघन करके अगर कोई संधि बना ली जाती है तो वो संधि क्या मानी जाती है, अवैध या शून्य मानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय विधि में ऐसे कुछ नियम होते हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, तो उनको बोलते हैं अनुल्लंघनीय नियम या जस कोजेंस, यानी कोई संधि जस कोजेंस में की जाती है, यानी अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुल्लंघनीय नियमों का उल्लंघन करके, वॉयलेशन करके अगर कोई संधि की जाती है तो वो संधि शून्य होती है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं कि संधि की अवैधता के परिणाम क्या होते हैं, संधि अवैध है तो वह शून्य भी होती है। 69 संधि की समाप्ति कहाँ पे है, 70 में संधि समाप्ति, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। फिर आगे अपन पढ़ते हैं, ये जो डॉक्ट्राइन है इनको या जो मैगजीन्स हैं इनको याद करना जरूरी है। तो पहली अपन ने मैगजीन क्या पढ़ी है, जस कोजेंस पढ़ी है कि अनुल्लंघनीय अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुल्लंघनीय नियमों का उल्लंघन करके अगर कोई संधि की जाती है वो संधि शून्य होती है, पहला। दूसरा आता है पैक्टा टर्सिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट, नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट, ये कह रहा है कि कोई भी संधि बहुपक्षीय जो भी संधियां होती है, चाहे द्विपक्षीय चाहे बहुपक्षीय, कोई भी संधि की जाती
तो संधि जो उन्हीं पक्षकारों पर बंधनकारी होते हैं जो संधि के मेंबर होते हैं, थर्ड पक्षकार पे संधि बाध्यकारी नहीं होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी अपन पढ़ते हैं ना ये कि कौन संविदा किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता, वैसे ही ये नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट, यानी ये कह रहा है कि जो पक्षकार राज्य पक्षकार संधि के पक्षकार हैं उन वो ही उस संधि के प्रावधानों का पालन करने के लिए या उसको उत्तरदायित्व निभाने के लिए बाउंड है, थर्ड पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल या बाउंड नहीं होता। इसको लैटिन शब्द है ये पैक्टा टर्सिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट, ठीक है। इसके प्रावधान कहाँ पे दिए गए हैं, आर्टिकल 34 से लेके 38 तक, 34 से लेके 38 तक में प्रावधान है कि जिस राज्य पक्षकार ने संधि पर सिग्नेचर किए हैं उसका अनुसमर्थन किया है उस संधि के प्रावधानों से वो ही बंधन वो ही बाउंड होंगे, थर्ड पक्षकार बाउंड नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी बताएंगे कि कब थर्ड पक्षकार संधि के प्रावधानों से बाध्य हो जाता है। पहला कि यदि जिन पक्षकारों ने संधि पर सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए, अनुसमर्थन किए, अगर वो संधि के पक्षकार राज्य जो भी हैं उनके इच्छा से तीसरे पक्षकार को अधिकार दे दिया जाता है, यानी वो क्या है अपनी इच्छा से कोई राज्य ने सिग्नेचर किए एज ए मेंबर संधि के सदस्य के रूप में, फिर उसने अपनी इच्छा से अपने अधिकारों को थर्ड पक्षकार को दे दिया, तो फिर वो थर्ड पक्षकार को कुछ अधिकार आते हैं तो दायित्व भी आते हैं, यानी वहां पर थर्ड पक्षकार संधि का संधि के फायदे या उसके उत्तरदायित्व लेने के लिए हकदार हो जाता है। यानी क्या कर रहा है, जो राज्य पक्षकार हैं वो अपनी इच्छा से किसी को अधिकार दे रहे हैं, थर्ड पक्षकार को अधिकार दे रहे हैं। फिर आया नेक्स्ट दूसरा पॉइंट कि अगर बहुपक्षीय संधियां हैं और उसमें कोई प्रथा है, अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रथा है, कोई बहुपक्षीय संधियां हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रथा की घोषणा करे, कोई प्रथा ही है और जिस प्रथा में के गैर सदस्य पक्षकारों पर भी बंधनकारी होना बताया है, तो वो संधि क्या है, बाउंड होगी थर्ड पक्षकार पे। फिर आ रहा है कि अगर तीसरे पक्षकार को बहुपक्षीय संधि द्वारा बाध्य किया जा सकता है अगर नए अंतरराष्ट्रीय नियमों का निर्माण कर लिया जाए, अगर नए अंतरराष्ट्रीय नियमों का निर्माण करके भी थर्ड पक्षकार को संधि के लिए बाउंड किया जा सकता है। फोर्थ आ रहा है कि अगर संधियां सार्वभौमिक हैं तो जो राज्य पक्षकार हैं उनके अलावा जो गैर सदस्य राज्य हैं उन पर भी सार्वभौमिक रूप से सब राज्यों पर ऐसी संधियां लागू की जाएगी। नेक्स्ट आता है अगर राज्य के प्रति उत्तरदायित्व स्थापित करता है, संधि क्या है, जो पक्षकार होते हैं उन पर उत्तरदायित्व करते, लेकिन कोई राज्य स्वीकृति दे देता है कि हाँ इसका उत्तरदायित्व मैं ले लूंगा, अपनी इच्छा से कूद पड़ता है, तो वो भी उस संधि से बाउंड हो जाता है। तो इसमें एक एक शब्द याद करने हैं कि कब थर्ड पक्षकार संधि के प्रति बाउंड हो जाता है संधि के प्रावधानों का पालन करने के लिए। पहला कि पक्षकार ने अपने अधिकार थर्ड पक्षकार को दे दी, संधि का जो पक्षकार है था उसने अपने अधिकार थर्ड पक्षकार को दे। दूसरा आता है कोई प्रथा संबंधी नियम है जो कहता है गैर सदस्य भी प्रथा के नियमों का पालन करें। तीसरा है नया नियम बना लेते हैं, नया नियम बना ला। चौथा आ रहा है संधियां सार्वभौमिक है। पांचवा आ रहा है कि राज्य ने सहमति दे दी कि मैं हाँ इसका उत्तरदायित्व मैं स्वीकार कर लेता हूँ, ठीक है। तो वहां पांचों ही पॉइंट क्या कह रहे हैं कि थर्ड पक्षकार भी संधि का पालन करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, दायित्वधीन हो सकता है। नेक्स्ट मैगजीन आती है रिबस सिक स्टेबिंस कि कोई भी पक्षकार संधियों का पालन करने के लिए तब तक बाउंड माना जाता है जब वह संधि मौलिक परिस्थिति में ही हो, उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि
संधि के, अगर मान लो कोई संधि की गई और उसकी पालन होने से पहले, यानी संधि की गई और कुछ समय बाद में उसकी मौलिक परिस्थिति में या मौलिक वो प्रावधानों में मौलिक परिवर्तन हो जाता है, परिस्थितियां चेंज हो जाती है, तो जैसे ही परिस्थितियां चेंज हो जाती है तो दूसरे जो पक्षकार, राज्य पक्षकार है, वो उस संधि का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है और वो संधि की समाप्ति समाप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो यह संधि को समाप्त कर सकते हैं। फिर आता है इसमें पैक्टस एंड सर्वेंडा, अपन सब पढ़ चुके हैं। इटली के विधि शास्त्री एंजिलोटी ने दिया और कहा कि जो संधि कर, जो राज्य पक्षकार संधि करते हैं उन्हें संधि का प्रावधानों का पालन करने के लिए वो बाउंड है, उनको उनका पालन करना बंधनकारी हो जाता है, वो ये बचाव नहीं ले सकते किसी भी प्रकार का। जिसने जिसने संधि कर ली है वो उसका पालन करने के लिए बाध्य है, बाउंड है। ठीक है, जस कॉजेंस अपन ने पढ़ लिया कि तो कितने हो गए, फर्स्ट जस कॉजेंस कौन सा अनुल्लंघनीय नियम कहां पे दिया हुआ था, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ था, 53 में जस कॉजेंस। ठीक है, इसमें एक अपने पढ़ा जस, दोनों में अलग अलग है मैडम, इसमें 64 है, वो वहां 64 है लेकिन वास्तव में है 53 है। अपन ने पहले एक जगह और पढ़ते हैं इसको, 64 तो ये कह रहा है कि अनुल्लंघनीय नियम मतलब वो संधियों को समाप्त करने के तरीके बताता है ये। ठीक है, ठीक है, तो अपन इसमें जस कॉजेंस पढ़ते हैं, पैक्टा पैक्टा वाले सर सर्वेंडा, पैक्टस एंड सर्वेंडा पढ़ लिया, पैक्टा टर्सिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट पढ़ा 3, और रिबस सिक स्टेबिंस पढ़ा, रिबस सिक स्टेबिंस पढ़ा है। ठीक है, ये 4 मैक्सिम्स हैं, इनको अपन अपने को पढ़ना है। इसके बाद में अपन कहाँ पे देखते हैं कि संधियों से संबंधित इतने प्रावधान थे,